ओके सो बहुत बड़ी अपडेट आई है आपके लिए, जो बहुत टाइम से आप सी यू सेट के बारे में सुन रहे थे कि भाई अब कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। काफ़ी टाइम से उसकी बातें चल रही थी लेकिन कुछ भी फाइनल गाइडलाइंस नहीं आ रही थी। अब फाइनली जाके UGC के चेयरमैन सर ने कल कंफर्म कर दिया है कि भाई आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होने ही वाला है आपके कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। अब आपका क्या होने वाला है, CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कैसे होगा, 12th के मार्क्स का क्या होगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत डिटेल में। सो जितनी भी कन्फ्यूजन्स अभी तक आपकी है वो सारी आपकी क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो जो बहुत बड़ी अपडेट है कि भाई क्लास 12th के रिजल्ट्स को कोई वेटेज नहीं दी गई है। बिल्कुल सच बात है, उन्होंने क्लियरली ये बता दिया है कि भाई जो आपके क्लास 12th के बोर्ड्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके बेसिस में अब आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कोई एडमिशन नहीं होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मतलब स्पेशली आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आएंगी जैसे कि BHU, JNU, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, ऑलमोस्ट 45 to 50 यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जिसमें अब आपको एडमिशन सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे मिलेगा, क्लास 12th के बेसिस पे नहीं। कुछ बच्चे काफ़ी खुश होंगे इसको सुन के, जिनका टर्म 1 का एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए थे उनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ है कि भाई अब टर्म 1 का जो आपका रिजल्ट आया, अच्छा आया बुरा आया, उसके बेसिस पे आपका कॉलेज का एडमिशन तो नहीं होने वाला है। तो 12th के रिजल्ट्स की वेटेज जीरो कर दी है, 100% वेटेज तो वो देने वाले हैं, वो एंट्रेंस टेस्ट को देने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 12th में पढ़ेंगे क्यों, क्यों ही पढ़े टर्म 2 के लिए, तो वेट करो, क्यों पढ़ना है आपको टर्म 2 के लिए वो भी आपको वीडियो में आगे पता चलने वाला है। ओके सो इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है कि भाई जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। ऑलमोस्ट 45-48 जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आती है, ठीक है, वो भी अब एडमिशन आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से ही लेगी, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि भाई जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो अभी तक कोई फाइनल लिस्ट नहीं आई है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट करने वाली है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो वो शायद अब 12th के बेसिस पे नहीं, वो आपके एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही आपको एडमिशन देने वाली है। नेक्स्ट इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि भाई एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी 1st वीक ऑफ अप्रैल से। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आपको अप्लाई करना होगा, उसकी विंडो शुरू होगी, कैसे अप्लाई करेंगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस चैनल पे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, सब कुछ सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, टेंशन मत लो। तो 1st वीक ऑफ अप्रैल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ना थोड़ा सा भी जो कन्फ्यूजन था कि भाई होगा या नहीं होगा वो खत्म हो चुका है, अब तो मतलब होने ही वाला है। नेक्स्ट जो ये टेस्ट होने वाला है वो कौन कंडक्ट कराएगा, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और एक्सपेक्टेड है कि ये जुलाई में होगा, ठीक है, जुलाई मिड में हो सकता है, अभी डेट फाइनल हुई नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं वो जून में ओवर हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये जो एग्जाम होने वाला है आपका जुलाई में होगा। फाइनल डेट जब आएगी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये टेस्ट होगा वो होगा फुल MCQ बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जैसे आप ओलंपियड्स वगैरह करते थे वैसे ही आपको ये टेस्ट देना होगा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे। अब कौन कौन से क्वेश्चन, क्या क्या सेक्शंस होंगे उसकी भी डिस्कशन करेंगे, कितने मार्क्स का होगा वो सब गाइडलाइंस अभी आना बाकी है, जैसे ही आएंगी मैं आपको बहुत जल्दी से बता दूंगा। ओके, इसके बाद कि भाई इस टेस्ट में आने क्या वाला है, हमें पढ़ना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सिलेबस क्या होगा, तो ये जो टेस्ट होगा इसमें 3 सेक्शंस होने वाले हैं। अभी प्रॉपर एक फ्रेमवर्क नहीं आया, प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन कल जो UGC के चेयरमैन सर ने प्रॉपर एक लाइव सेशन किया था उसमें बताया था कि इसमें 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन आपका लैंग्वेज का होगा, 13 लैंग्वेजेस में से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करती हैं इंग्लिश, तो मोस्ट प्रोबेबली एक इंग्लिश होगा जो शायद कंपलसरी हो सकता है। जैसे DU में एडमिशन लेने के लिए आपको पता है कि इंग्लिश कंपलसरी होता है, ठीक है, तो DU में या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है इंग्लिश कंपलसरी कर दे, लेकिन आपके पास 13 लैंग्वेजेस हैं उसमें से आपको एक चूज करना है। वही क्वेश्चंस होंगे जैसे आपके सिनोनिम्स वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। उसके बाद सेकेंड है डोमेन स्पेसिफिक। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हाँ क्लास 12th की वेटेज इन्होंने नहीं रखी, लेकिन डोमेन स्पेसिफिक में इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भाई NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं, और इसमें आपको मैक्सिमम 6 अपने सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे।
अब वो सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, मान लो अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन चाहिए तो वो आपको क्या करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी। तो वो चीजें जो अभी आप ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो वही आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई अब ट्वेल्थ में पढ़ के करेंगे क्या। अरे जो ट्वेल्थ में आप पढ़ रहे हो अब बस बोर्ड्स की आपकी वेटेज जीरो करके वही सेम सिलेबस इन्होंने क्या कर दिया, एंट्रेंस में डाल दिया। तो पढ़ना तो आपको वही है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, डोमेन स्पेसिफिक में वही सब्जेक्ट्स। अब होगा ये कि यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज ये डिपेंड करेगा, कोर्स टू कोर्स ये डिपेंड करेगा, ठीक है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको यही सेम सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं। अगर आपको कोई एक मान लो आपको कोई और कोर्स करना है तो उस कोर्स के रिगार्डिंग, उस कोर्स के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे। बीकॉम ऑनर्स के लिए अलग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए अलग हो सकते हैं, मैथ्स ऑनर्स के लिए अलग हो सकते हैं, बीबी के लिए अलग हो सकते हैं, राइट। उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे, लेकिन होगा वही सब जो अभी आप ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो। तो ये बिल्कुल भी मत समझना कि भाई मैं जो ट्वेल्थ में पढ़ रहा हूँ उसका अब यूज़ क्या है, ये यूज़ है। वहाँ अगर आपको लग रहा है कि भाई वहाँ इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है तो वो सेम इंपॉर्टेंस इन्होंने यहाँ बढ़ा दी है, आना वही क्वेश्चंस है। अब होगा ये कि ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो एमसीक्यू बेस्ड में आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन को चेंज करना होगा, लेकिन बुक्स वही है, सिलेबस वही है, चैप्टर्स वही है। मैं आपकी तैयारी कराऊंगा कि भाई आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करनी है, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, राइट। उसके बाद जो आपका थर्ड सेक्शन होगा वो होगा जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें जनरल अवेयरनेस, आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो सारे क्वेश्चंस होंगे। तो अभी इसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क आना बाकी है कि जनरल एप्टीट्यूड में एग्जैक्टली क्या होगा, लैंग्वेजेस में एग्जैक्टली क्या क्या सिलेबस होने वाला है, डोमेन स्पेसिफिक में क्या पढ़ना है। लेकिन डोमेन स्पेसिफिक में इन्होंने एक स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया था एनसीईआरटी, तो क्वेश्चंस जो होंगे वो एनसीईआरटी के बेसिस पे ही होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई और हाई लेवल क्वेश्चंस करने होंगे या कोई और बुक्स पढ़नी होंगी, नहीं, जो अभी आप पढ़ रहे हो वो सफिशियंट होगा डोमेन स्पेसिफिक के लिए, तो पक्का सफिशियंट होगा। लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी भी मैं आपको कराऊंगा एक बार प्रॉपर सिलेबस आ जाए कि क्या क्या इसमें होने वाला है, राइट। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो टेंशन मत लो, राइट। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रही है कि सर टर्म टू को सीरियसली क्यों लें। पहली बात सुन लो, स्पेशली जो सीए फाउंडेशन, जो सीए करना चाहते हैं आगे, वो तो बिल्कुल भी मत सोचना कि भाई टर्म टू में पढ़कर हम क्या करेंगे। जो अभी आप पढ़ रहे हो वो सीए फाउंडेशन में आने वाला है, तो बिल्कुल जितने सीरियसनेस से आप अभी पढ़ रहे थे ये सोच के कि भाई बोर्ड्स के रिजल्ट्स मैटर करेंगे, उतने ही सीरियसनेस से आपको पढ़ना है, क्योंकि एक तो सीए में वो काम आएगा, प्लस जो आपका ये एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें भी आपका वही सिलेबस आने वाला है जो अभी आप पढ़ रहे हो। दूसरा, राइट, लेट्स से अभी इसमें सारी यूनिवर्सिटीज कवर नहीं है, अभी तक लिस्ट नहीं आई है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कवर होगी। अगर आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना हो जो इसमें कवर नहीं है, आपके ट्वेल्थ के रिजल्ट्स तब भी मैटर करेंगे। अगर आपको आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, लेट्स से एमबीए करनी है, वहाँ की एप्लीकेशन में भी ट्वेल्थ के रिजल्ट्स मैटर करते हैं। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लेना कि भाई ट्वेल्थ की इंपॉर्टेंस जीरो कभी नहीं होने वाली है। ट्वेल्थ का जो रिजल्ट्स होगा उसकी इंपॉर्टेंस आप बिल्कुल ये मत मान के चलो कि खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ट्वेल्थ में जितने सीरियसनेस से अभी आप पढ़ रहे थे उतने ही सीरियसनेस से पढ़ो, ये सोच के पढ़ लो कि जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो मैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी पढ़ रहा हूँ, मैं अपने सीए के कोर्स के लिए भी पढ़ रहा हूँ, जितना भी आगे आपको कुछ भी करना है, आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, उसमें भी आपका 11 ट्वेल्थ का सिलेबस होता है। तो भाई जो पढ़ रहे हो वो वेस्ट नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है, राइट। ये आपके लिए एक्चुअली में एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव है कि भाई अब ट्वेल्थ में जो पार्शियलिटी कई जगह होती थी, कुछ स्टेट्स में होती थी, टर्म वन में आपको पता है क्या हुआ है, तो वो अब खत्म हो गई है ना। आपको ये नहीं सोचना है कि यार उस स्कूल में चीटिंग हुई थी, इन बच्चों के मार्क्स कैसे आ गए, ये गलत हुई है, चेकिंग खराब हुई है, सीबीएसई ने गलत कर दिया, अब वो सब बिल्कुल हट गया है। सीबीएसई ने जो भी किया था उसके बेसिस में एडमिशन नहीं होने वाला, आपका एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होगा, जो कि अच्छी बात है। बस आपको करना क्या है, आप जो अभी बुक्स पढ़ रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो, उसको करते रहो, ठीक है। उसको आपको ये नहीं समझना कि भाई अब मैं पढ़कर करूंगा क्या, अभी भी उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी पहले थी। उल्टा पॉजिटिव ये हो गया कि अब आपका कॉलेज का एडमिशन उसके बेसिस पे नहीं होने वाला है, लेकिन जो पढ़ रहे हो वो काम तो आगे आने ही वाला है, राइट। इसके अलावा जितनी भी अपडेट्स आती रहेगी आपको मिलती रहेगी, इसकी प्रिपरेशन भी हम बहुत धूमधाम से करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। सब कुछ आपको मिलेगा इस चैनल पे। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, राइट। बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है, कोई प्रेशर नहीं, आराम से पढ़ते रहो, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।